बाहर लोगों को ये नहीं पता कि जयदीप बहुत कमाल का डांसर है, ये आई डोंट थिंक कि उसके फैंस को और ऑडियंस को क्यों नहीं पता है। जयदीप तो रील बनाना शुरू कर जयदीप, डांस वांस करके कच्चा बादाम कच्चा इतनी जलालत झेलनी पड़ेगी ना उसके बाद 28-30 दिन तक लगातार एवरीडे यही करता था मैं, क्योंकि उस वक्त तो लॉकडाउन था तो सब कुछ इंटरनेट पे था। सो काइंड ऑफ काउंटेड आई वाज आई रीच्ड टू ऑलमोस्ट 250-230 इंटरव्यू इन अ मंथ। उसमें तीन मिले थे वैसे, कोई एक इंसान एटलीस्ट वन तो होता ही है, पर आप पे कोई असर नहीं हुआ। पर नहीं है, बहुत ही ग्रेट किस्म के इंसान है इस मामले में, पर मैं करूंगा। मैं मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि मैं कर दूंगा किसी दिन गुस्से में आगे। शाम को फिर जीजान बोलेगा बहुत बढ़िया, सारे ग्रुप्स में मैं ही शेयर करूंगा, तू घबरा मत। ओ नहीं, कह रहा देखो 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 मजा आ रहा है। हाय गाइस, दिस इज जयदीप अहलाव। हाय, आई एम मोहम्मद ईशान अय्यूब और आप देख रहे हैं और बताओ। और बताओ सुनती के साथ। हाय गाइस, मैं हूँ स्तुति और बताओ हम पूछने वाले हैं। और आज के एपिसोड में दो ऐसे एक्टर्स हमारे साथ हैं जो इंडिविजुअली तो हम इनके फैंस हैं, दे आर देयर, दे आर इन अ प्रोजेक्ट, इन अ फिल्म और अ शो, हम एक्साइट हो जाते हैं, बट अब एक्साइटमेंट लेवल और हाई है बिकॉज दे आर कमिंग टुगेदर विद ब्लडी ब्रदर्स जयदीप अहलावत एंड ईशान अय्यूब। वेलकम टू और बताओ। बस जी बिल्कुल बढ़िया, हम तो मतलब यू नो हर शो आपके हर फिल्म का इंतजार कर रहे होते हैं, दोनों इकट्ठे आ गए हैं, यू आर प्लेइंग ब्रदर्स, कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई और हाउ इज इट? मैं बड़ा भाई है, मैं छोटा। और इट्स ग्रेट, इट्स बीन अमेजिंग, इट्स बीन फन। यू नो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों के टैलेंट तो वॉज नेवर इन डाउट, but you know finally you guys are coming together and headlining a project, ekdam two hero series hai ye directed by Shahd Ali, so tell us a little about you know getting together for this project, because I think casting se hi sare number le gaye ho। हाँ ये बात तो शायद भाई ने एकदम चक्का मारा है। नहीं डेफिनेटली, क्योंकि बाकी लोग भी मतलब श्रुति है, टीना है और सतीश कौशल जी हैं और बहुत सारे एक्टर्स, इंद्रनील है और सारे एक्टर्स अपने अपनी जगहों पर इतने सही फिट बैठते हैं कि आपको बहुत ज्यादा मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए वो काम नहीं, उतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्पेशली हम दोनों क्योंकि बहुत टाइम से एक दूसरे के दोस्त हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में। जिस दिन पहला सीन किया उस दिन समझ में आया कि हाँ दैट्स द सुर और हम इसी के ऊपर काम करते हैं। ईशान, आपसे आपसे सुनना चाहेंगे आप। पूरा समर्थन। ये एग्जैक्टली यही है और कोई उसमें अलग बात है नहीं कि हाँ मतलब कास्टिंग अमेजिंग है और वो एक बहुत बड़ी एडेड एडवांटेज हो जाता है जब आप कुछ साइन करने वाले होते हैं, तो एक बड़ी अट्रैक्शन होता है कि अरे वाह ये होने वाला है। और जहां तक जयदीप और मेरी बात है, बहुत टाइम से दिल था कि यार साथ में काम करें, कुछ बढ़िया मिले और ये आया, बिल्कुल ही भाई बनना है और दो ही लोगों पे की कहानी जो है मेरी फॉलो की जा रही है, तो हमने कहा वाह यार तो बहुत करेक्ट मौका है, पकड़ लो इसे। अच्छा अभी हमारा शो तो देखना बाकी है, हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, उसी से अंदाजा लगाया, बट क्या हो रहा है, आप कितना रिवील कर सकते हैं इसके बारे में? आप सवाल पूछ के देखो, हम बता देंगे कितना रिवील कर सकते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं हम बोल देंगे बात। आपके आपके रोल्स के बारे में एंड ऑल्सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फील कि कहीं पे ऑल्दो ओटीटी ने बहुत एक वाइड स्कोप दिया है, ऑडियंस को अलग तरीके का कंटेंट दिया है, एक्टर्स को अलग तरीके के रोल्स निभाने का मौका दिया है, बट ऑल्सो वो क्राइम की दुनिया या वो यू नो दोज हिंटरलैंड में बेस्ड स्टोरीज कहीं पे अपनी यूनिकनेस लाना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इट शुडंट लुक लाइक यू नो अदर शोज ऑल्सो उस जोन में, तो वो कैसे था और अपने किरदारों के बारे में आप कितना रिवील कर सकते हैं? देखिए किरदारों के तो इतना सा तो हमारे ट्रेलर में दिख ही जाता है कि दो भाई हैं और वो एक एक्सीडेंट होता है और उसके चक्कर में इतने सारे
अप्स एंड डाउन होते हैं उनकी लाइफ में कि वो उनको संभालते संभालते पागल हो गए। और जहां तक मैं जिशान के किरदार की बात करूँ, लेट्स डू इट अपोजिटली, तो वो जगजीत का छोटा भाई है और बहुत ही अपने अपने भाई के कहे में रहा है। शायद उसका बैक स्टोरी ये है कि मॉम डैड बहुत पहले चले गए थे, तो उसी ने एक तरह से बड़ा भी किया है, तो हमेशा उसके कहे में रहा है, उसकी शैडो में रहा है। और बहुत ही ऑनेस्ट सा एक इंसान है जो गेमिंग स्कीमिंग में विश्वास नहीं रखता है, वो बहुत लाइफ को बहुत सीधे तरीके से देखता है। ऑन द अदर हैंड बड़ा भाई बड़ा ही सक्सेसफुल है, बिकॉज ही नोज के वो सक्सेसफुल क्यों है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो सीधा साधा नहीं, वकील है पेशे से, उसको तिकड़मबाजी करने में मजा आता है, उसको उसका पेशा है इधर से उधर करना। और वो बड़े छोटे को भी यही बोलता रहता है कि देखो भाई ऐसा तुम ये समझो दुनियादारी को। और दिलजीत हमेशा सीधा चलने वाला इंसान है, तो इंटरेस्टिंग ये है कि ये यहाँ तक उसका किरदार है। जहां से कहानी शुरू होती है उसके बाद बहुत कुछ बदलने लगता है दोनों के बीच में, दोनों के रिश्तों में बहुत अलग अलग तरह के मोड़ आने शुरू होते हैं और चीजें ऑपोजिट होना शुरू होती है एक तरीके से, कि जो जो किरदार है दिलजीत जितना एक तरह से काइंड ऑफ अगर हम वल्नरेबल है, धीरे धीरे जो सिचुएशन बनती है उसकी पकड़ बेटर होती चली जाती है। ऑन द अदर हैंड जगी की पकड़ छूटती चली जाती है जबकि उसको लगता है कि वो हर चीज कंट्रोल में रखे। You know, I like it, Jaydeep, आपने थोड़ा चेंज करके दोनों का ही बोल दिया। तो अगर आपने किरदारों के बारे में बोला तो जीशान आपसे मैं जो एक्टर है उनके बारे में पूछूंगी। सो रिवील टू अस समथिंग अबाउट जयदीप, आप तो इतने सालों से जानते हैं, प्लस नाउ यू हैव वर्क्ड विद हिम, टेल अस समथिंग अबाउट हिम जो हमें नहीं पता। बाहर लोगों को ये नहीं पता कि जयदीप बहुत कमाल का डांसर है, ये आई डोंट थिंक के उसके फैंस को और ये हमें क्यों नहीं पता जयदीप। तो रील बनाने शुरू कर जयदीप डांस वांस करके, कच्चा बादाम इतनी जलालत झेलनी पड़ेगी ना उसके बाद। तो ये है अगेन, मतलब जैसे उसको कभी स्क्रीन पे इस तरह देखा नहीं तो इसमें भी पता चल जाएगा, पर कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है और खूब एकदम, और उसके अपीयरेंस से ऐसा लगता है कि बड़ा एक सीरियस और भारी सा रहने वाला आदमी है, मौजल आदमी है, मौजल लौंडा ये मैं बोल सकता हूँ नॉर्थ इंडिया का वो। और बहुत वार्म्थ है और बहुत ज्यादा प्यार करता है, दिल का एकदम खुला है, अच्छी बात ये रही पता कि मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट इसके साथ करने का मौका मिला, क्योंकि पिछले 8-10 साल में कभी इतना टाइम एक साथ एक जगह पे 2-1.5-2 महीने तक साथ में नहीं रह पाया, और हम में से कोई नहीं रह पाता है, अपने हमारे प्रोफेशन की मजबूरियां हैं कि हम इतना वक्त बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो मैं बहुत इस बात से बहुत खुश हूं कि मैं उसको और अच्छे से जान पाया, द वे ही ट्रीट्स पीपल अराउंड हिम, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, चाहे फिर वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके हो, फैमिली के साथ जैसे वो रहता है और खाना बहुत अच्छा बनाता है, वो फूडी है एक तरह से अपने आप में, तो उसको नई नई चीजें खाने का बहुत शौक है, और हम दोनों को सर्दियां बहुत पसंद हैं, तो एक वो एक फैक्टर था जो हम ऊटी में बहुत हमने इस बात के मजे लिए, सारा दिन बैठे रहते थे, जब भी जितना वक्त मिलता था हम साथ में बिताते थे, चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो चाहे ऑन स्क्रीन हो, एंड मजेदार आदमी है। मतलब चलिए यहाँ पे तो एक्चुअली ब्रदरहुड नजर आ रही है। ओके, आई वांट टू शिफ्ट गियर्स अ लिटिल। ये सवाल आप दोनों के लिए, जयदीप, आई रिमेम्बर जब पाताल लोक के वक्त, मतलब उसके बाद आपने अपने एक इंटरव्यू में हमें बोला था कि कैसे अब तो मतलब यू आर जस्ट स्वॉर्म्ड विद इंटरव्यू रिक्वेस्ट, कि सडनली यू नो दुनिया बदल गई, पीपल नोटिस्ड यू, दैट कैरेक्टर वाज सो लकी फॉर यू। How do you deal with fame? मतलब as actors आपको पता है fame is going to be part of your journey, but at least हमें तो देख के ऐसे लगता है जैसे you're a little you know you like to keep to yourself, but आप fame को कैसे deal करते हैं? और specially वो जब कोई show popular होता है और किरदार बड़ा हो जाता है तब आप कैसे deal करते हैं?
आप ये बात आपने सही कहा कि उस वक्त तो बम्बार्डमेंट थी। मैं एक दिन ऐसे बैठ के मैं सोच रहा था कि मैंने उन दिनों कितने दिन कितने इंटरव्यूज किए होंगे, तो बशीर को भी एक बार शायद अंदाजा दिया था मैंने कि मैंने कुछ 28 दिन में 28-30 दिन तक लगातार एवरी डे यही करता था मैं, क्योंकि उस वक्त तो लॉकडाउन था तो सब कुछ इंटरनेट पे था। सो आई काइंड ऑफ काउंटेड I reached to almost 250-230 interviews. Wow. In a month. उसमें तीन दिन थे वैसे। Yes. और कुछ बोलने को बचा नहीं था। और आपने ये बात भी सही कही कि मैं बहुत बहुत सुकून में रहता हूँ जब अकेला होता हूँ। वो मेरा पर्सनल जो एकदम अकेलापन जब होता है जहाँ भी रहता हूँ वो मेरा फेवरेट एक जगह होती है। पर डील करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे कभी भागे हैं, वही तो चाहिए था, वो पेन भी तो एक आपके डिजायर्स में कहीं ना कहीं रहा होगा, तो उससे डील नहीं करता, बस वो है तो है। आप जितने लोग आते हैं आप उनसे मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है, एंड देन जहां कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो जस्ट यू लीव द प्लेस, दैट्स इट। You know, जीशान, आपसे भी यही सवाल पूछूंगी, फिर थोड़ा सा अलग एंगल होगा। इतने सारे फिल्मों में, शोज में, अगेन आपकी बहुत तारीफ हुई आपके परफॉर्मेंस की, और आपने फेम का ऑपोजिट साइड भी देखा विथ तांडव एंड द होल कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड, एंड यू नो समवेयर वी डोंट एक्सपेक्ट आवर एक्टर्स टू स्पीक देयर हार्ट्स आउट, बट यू नेवर शाइड अवे फ्रॉम इट, और आपने हमेशा अपनी अपनी दिल की बात सामने रखी है। लोगों ने आपको बोला कि थोड़ा रहने दो, चुप रहो, शांत रहो, मुश्किल हो रहा है? वो तो बहुत पहले से ही बोलते आ रहे हमेशा बोलते ही रहेंगे लोग, थोड़ा ये करो थोड़ा वो करो, बट मतलब ऑनेस्टली फेम से उसका कोई लेना देना उस तरह से नहीं है। वो भी आई थिंक कई लोग जिनको उससे पहले शायद नाम नहीं पता था उनको भी नाम पता लगता है, तो एक लेवल पे तो उसने ऐड भी किया, बट ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और लोग तब पहले भी बोलते थे, उसके उस टाइम पे भी बोला, उसके बाद भी बोल रहे हैं, बोलेंगे आगे भी, बट आई थिंक वो आपकी एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, सब दूसरों के बताने पे या अपने प्रिंसिपल्स। एब्सोल्युटली। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस शो, यू नो लाइक आई सेड, बिगेस्ट ल्योर है आप दोनों एक साथ हैं, और यू नो उससे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है, बट इंडिविजुअली आप लोगों ने इतना वक्त इस इंडस्ट्री को दिया है, अलग अलग तरीके के रोल्स किए हैं, अब डू यू ट्राई टू क्यूरेट योर करियर कि अब मैं इस तरीके के रोल्स ज्यादा करूंगा या नहीं करना चाहूंगा, हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? आई थिंक वो भी बड़ा ऑर्गेनिकली हो जाता है, बट आप थोड़ा सा अभी मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबली चूज करने की कोशिश करते हो कि क्या ये कहानी में कुछ ऐसा है जो मैं नया ट्राई करूंगा, या कुछ नए तरीके से लोग मुझे देखेंगे, या कुछ मैं ही कुछ नया एक्सप्लोर कर लूंगा एज एन एक्टर। वो चीज तो रहती ही है, देन अच्छी बात ये कि आप चॉइसेस हैं बहुत सारे, आपके प्रोजेक्ट्स के बीच में आप कुछ चुन पाते हो, कुछ कुछ छूट जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप वो वक्त जिस वक्त में उनको चाहिए वो किसी और को दे चुके हो, वो भी एक बड़ा एक नेगेटिव सा असर लगता है कभी कभी, लगता है यार ये काम उस वक्त आया जब मैं वो कर नहीं सकता हूँ, बट देन इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, यू मूव फॉरवर्ड विद द बेस्ट चॉइसेस यू हैव एंड ट्राई टू एंटरटेन और काइंड ऑफ यू नो सरप्राइज द ऑडियंस एज मच एज पॉसिबल। जीशान, क्रिएटिव सेंसरशिप से डर लगता है? अब आप जरा स्क्रिप्ट को और ध्यान से देखते हैं कि नॉट एट ऑल, जो पहले था वैसा ही है, वैसा कुछ आई थिंक वो असर जो है वो कंटेंट वालों पे पड़ा होगा ज्यादा, एज एक्टर आई डोंट थिंक के एक तो आप उसमें कुछ बहुत ज्यादा कर सकते हो या करना चाहिए, मतलब जो चीज जैसा जो प्रोसेस अभी जयदीप बता रहा है, आई थिंक दैट इज द प्रोसेस दैट आई आल्सो फॉलो, कि भाई स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है, इसमें मजा आ रहा है, इसका हिस्सा बनना है, अब इसके ऊपर कौन क्या कुछ हो जाएगा वाला आई डोंट थिंक कभी भी दिमाग में आ रहा है। You know, both of you are such skilled, talented actors. But आजकल हर चीज में एक एक projection, how you project yourself, बहुत बड़ी चीज हो गई है. Social media, कितने followers हैं आप, कितने pictures डाल रहे हैं, reels डाल. एक कच्चा बादाम भी मुझे लगता है आप कर ही देना. But
वो प्रेशर है आप दोनों पे टू बी आउट देयर कि हर वक्त दिखने चाहिए, कुछ बोलना है, न्यूज में रहना है, टॉप ऑफ द माइंड रहना है। कोई बोल देता है दिन में, हर दिन एक कोई नया इंसान जरूर होता कि यार क्या कर रहे हो तुम, करते क्यों नहीं हो ये, एवरी सिंगल डे कोई एक इंसान एटलीस्ट वन तो होता ही है, पर आप पे कोई असर नहीं हुआ। पर नहीं है, बहुत ही ग्रेट किस्म के इंसान है हम इस मामले में, तो कई बार लगता है हो सकता है मैं कर भी दूं, ऐसा नहीं है, किसी दिन मेरा ऐसा सर बनना है तो मैंने कहा पकड़ के किसी को बुलाओ भी आ जाओ करना है, बट मुझे लगता है बहुत जल्दी उससे मैं बोर भी हो जाऊंगा, वो मैं करूंगा ना तो उसे एक रॉ में आगे कर दूंगा और आई थिंक बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगा क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता है कुछ खास। अपने काम को लेकर लोगों तक पहुंचना समझ में आता है, पर दिन में 50 स्टोरी डालना और आपका मन कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन वो अगर प्रेशर में डालने पड़ रहे हैं ना तो मैं बोर हो जाऊंगा। जीशान आप सहमत हैं? आप कोई पॉइंट? हाँ देखिए जयदीप, हम ही बोल रहा हूँ, वो हमका मतलब मैं ही था साथ में, हम दोनों का चाचा हम दोनों का सेम पॉइंट ऑफ व्यू, हमने कई बार डिस्कशन भी हुआ है ऑब्वियसली हमारा सोशल मीडिया पे, और हमारा बिल्कुल ही सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब जरूरत है तब बिल्कुल कीजिए, पर हो नहीं पाएगा। और वही जब ये बोल रहा था मेरे दिमाग में एग्जैक्टली वही आ रहा था कि तू बना देगा, चार दिन बाद तू बोलेगा भाई क्या हो रहा है यार, ये मुझे नहीं करना आता इसे, और उसका प्रेशर लेना मुझे लगता है और ज्यादा बुरी बात है कि आप उसके प्रेशर में हो कि आपको डालनी ही पड़ेगी नहीं तो लोग कम हो जाएंगे। मुझे ना ये जो वर्चुअल डर है ना, मुझे इससे बड़ी खौफ है। ऐसा करना पड़ता है समटाइम्स टू बी सीन, टू बी टॉप ऑफ द माइंड, की रोल्स जो आपको चाहिए वो मिले। आजकल पॉपुलैरिटी के बेसिस पे रोल्स मिलते हैं, आपको कहीं पे लगता है दैट यू आर एट अ डिसएडवांटेज अगर आप नहीं करें, या यू थिंक विद कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड विद न्यूअर स्टोरीज, न्यूअर फिल्म मेकर्स, वो दिक्कत नहीं है? मेरा ये मानना है कि जब आप इस बात पे कास्टिंग करने लगे ना कि इस आदमी के फॉलोअर ज्यादा ना, आप ऑलरेडी एक स्केरी फेज में है, वो दिशा ही अलग है कि आपके इंस्टाग्राम पर अगर 3 मिलियन फॉलोअर हैं और आप रील्स बनाते हैं, देन यू थिंक दैट दिस इज द क्राइटेरिया टू कास्ट समबडी। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर भी हो, ऐसा नहीं, और अगर यही एक क्राइटेरिया हुआ ना तो वो बहुत स्केरी स्पेस है, उसमें कुछ और बचेगा नहीं, फिर वो कहीं और चला जाएगा ये मामला। बट ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे जब हमें लोग बोलते हैं तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई तुम लोगों को तो ये करना इसलिए चाहिए कि इससे तुम्हारे बिजनेस में फायदा हो, तुम्हारे यू बी सीन मोर, लोग तुम्हें ज्यादा देखेंगे, और लोग देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं देखना चाहते, आई एम श्योर जिशान के या मेरे फैन जो लोग हैं वो उनको ये देखने में बहुत मजा आने वाला है, और हमारे जो दोस्त लोग हैं जो हमें बहुत करीबी लोग हैं वो हमें जलालत देंगे इसके बाद, क्योंकि हमारे दोस्त भी ऐसे ही, वो भी कोई नहीं करता उनसे कोई काम की बात ना हो, तो हमें दो तरफा मार झेलनी पड़ेगी इस चक्कर में अभी थोड़ा सा, और मैं करूंगा, मैं मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि मैं कर दूंगा किसी दिन गुस्से में आगे। शाम को फिर जीशान बोलेगा बहुत बढ़िया, सारे ग्रुप्स में मैं ही शेयर करूंगा, तू घबरा मत। होते ही कह रहे देखो 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 मजा आ रहा है यार। आपके आपकी बात में ना मैं एक चीज और ऐड करूंगा, एक के हम उसकी वजह से काम का वो होता है ऑब्वियसली, मतलब एक तो वो बड़ी खतरनाक स्पेस है, दूसरा हम कल भी हम कोई बात कर रहे थे, हम इस मामले में ना थोड़े लकी भी हैं, हम सरा से बच के निकल गए। जब ये क्राइटेरिया बनना शुरू हुआ फॉलोअर्स का और इन सब का, तब तक लकीली हम लोगों का एक्टिंग की वजह से जाना जाने लगा था, और हमें काम आदमी की यार ये एक्टर अच्छे हैं इसलिए कास्ट करो हो चुका था, तो हम ये बच गए। बहुत बड़े बहुत सही बात बोली, क्योंकि अगर हम अभी तक हमारा ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ होता कि ये एक्टर्स है, ये काम कर लेंगे अगर आप भरोसा जताओगे, तो मुझे लगता है हमें तो कोई धंधा कुछ और ही ढूंढना पड़ता, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। आई थिंक दिस इज द रीजन फॉर योर अपील कि आप लोग इतने ग्राउंडेड हैं और
और दिल की बात इतने आराम से कह देते हैं. माय फाइनल क्वेश्चन ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो. हमने तो नहीं देखा, आप लोगों ने काम किया है, शायद शो देख लिया है. कोई फेवरेट चीज आपके हिसाब से दैट मेक्स दिस शो स्पेशल? इट कुड बी योर परफॉर्मेंस, इट कुड बी समथिंग एल्स, बट एनीथिंग दैट आप शेयर करना चाहते हैं. पहली बात सही, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. उससे देख लो बस आगे ही बात होगी. और जेन्युइनली आपको ना बहुत मजा आएगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों भाई है ना, आपको ना चलते शो में ना गेम परखता दिखता है, पावर शिफ्ट होती दिखती है, इमोशनली टर्मोइल होते दिखते हैं दोनों. और जो पहले बहुत स्ट्रांग है वो थोड़ा सा हिलता हुआ दिख रहा है, जो पहले बहुत कमजोर है वो फिर थोड़ा स्ट्रांग होता आ रहा है, और उसके बीच में इतना कियोस कि उसमें ह्यूमर भी है, उसमें उसमें इमोशंस भी है, उसमें ड्रामा भी है, उसमें क्राइम भी है, सब आ रहा है बीच में. और इन दोनों की लाइफ में उसकी वजह से जो हो रहा है ना, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस. सुपर, थैंक यू सो मच, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. एंड जयती वर्सेस ईशान, आपसे बात करके तो एज यूजुअल हमेशा मजा आता है. सेम है, थैंक यू सो मच.